खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। स्कॉटलैंड की तर्ज पर अब हरदोई की पुलिस अकेले रहने वाले वृद्धों का खास ख्याल रखेगी। डीजीपी के निर्देश पर यूपी के साथ अब हरदोई में इस तरह की पहल की जा रही है। इसमें थानों के अधिकारियों से जवान तक अपनी बीट में रहने वाले वृद्धों और उनके रिश्तेदारों की जानकारी रखेंगे ताकि उनकी सुरक्षा पुख्ता की जा सके और आवश्यकता पड़ने पर मदद की जा सके। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि इसको एक नया नाम दिया गया है, सबेरा। इसके तहत सभी थानों को उनके थाना क्षेत्र में अकेले रहने वाले वृद्धों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी एक विशेष फॉर्मेट में होगी। सभी थानों से यह जानकारी एसपी कार्यालय पहुंचेगी। वहां से कोड रेड को भी सभी वृद्धों से सतत संपर्क बनाने और उनकी मदद के निर्देश दिए जाएंगे। अकेले रह रहे वृद्ध आवश्यकता पड़ने पर थाने या कोड रेड को सीधा फोन कर सकेंगे। फोन आते ही अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम उनके यहाँ पहुँचेगी। वृद्ध जनों को उनके बीट के अधिकारी और जवानों को फोन नंबरों के अलावा अन्य आवश्यक नंबर भी मुहैया कराए जाएंगे। एसपी ने बताया कि सभी को 112 के विषय में भी अवगत कराया जा रहा है ताकि जरूरत पर यह नंबर डायल किया जा सके। आपको ज्ञात होगा कि जो 100 नंबर है उसको अब ग्रेजुअली 112 में कन्वर्ट कराया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान में ऑल अक्रॉस द कंट्री 112 की सुविधाएं सबको मालूम भी हैं, सबको है भी। तो इसलिए अब जो स्टेट बॉर्डर पे कन्फ्यूजन होता था वो ख़त्म करने के लिए हमारे यहाँ भी 100 नंबर को 112 में कन्वर्ट कराने की प्रक्रिया शुरू हुई है और कराया भी है, काफ़ी हद तक कराया भी जा चुका है। इसी की अगली कड़ी में हमारे डीजीपी महोदय ने एक नई पहल जो शुरू की है, वो वृद्ध नागरिक जो सीनियर सिटीजन को हम बोलते हैं उनकी देखरेख के लिए, क्योंकि उनके द्वारा उनको रजिस्टर कराने की बात है। जब वो रजिस्टर हो जाएंगे थाने में तो उनकी सुख सुविधा, उनकी किसी समस्या, उनके किसी भी तरह के इशू को एड्रेस करने के लिए उनको सिर्फ 112 पे कॉल करना पड़ेगा और उनकी कॉल पे वो गाड़ी तत्काल उनके पास पहुँचेगी और उनकी समस्या का निर्णय करेगा। इसके अलावा यह भी व्यवस्था की गई है, इस पूरे प्रोग्राम का नाम है सवेरा। इस प्रोग्राम के अंदर यह भी व्यवस्था की गई है कि जो संबंधित थानाध्यक्ष होंगे उनके पास भी उनकी सूची रहेगी जो वृद्ध नागरिक हैं और खास करके ऐसे लोग हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, और उनके संरक्षक या उनके वार्ड्स थानाध्यक्ष बन के काम करेंगे, जो समय समय पर जाकर उनका हाल चलेंगे, उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देंगे, उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनके दवा का इस्तेमाल लाने का बंदोबस्त करेंगे, उनको अस्पताल पहुँचाएँ, उनकी किसी भी तरह की समस्या जिसके लिए वो अक्षम है उसमें पुलिस उनके साथी और मददगार बनकर उनका काम करें। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।